जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑक्टेक वीएफएक्स। मैं आपका टीचर अंगद चौहान। आज के टॉपिक है हमारे ब्लेंड मोड एंड ओपेसिटी। ये क्या होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ स्मार्ट ऑब्जेक्ट एडिटिंग यूज़ करके हम एक अच्छी सी डिजाइनिंग एंड फिल्म पोस्टर तैयार करने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे अभी। तो बने रहिए ऑक्टेक वीएफएक्स के साथ और आइए चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमने ये स्क्रीन ओपन कर लिया है ऑक्टेक वीएफएक्स। हमने ये स्क्रीन ओपन कर लिया है। तो मैं पहले क्या करूँगा कि इम्पोर्ट करूँगा, इमेजेस इम्पोर्ट करना है। ओके, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डाउनलोडेड वगैरह मैं कुछ इमेजेस देख लेते हैं। हाँ, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। आप यहाँ पे रेस्टराइज कर लीजिए और इसके साथ एक और इमेज इंपोर्ट करिए। ओके, आई सपोज मैंने ये इमेज इंपोर्ट कर लिया। ओके, इस इमेज को मैं छोटा कर रहा हूँ और इस इमेज को मैं थोड़ा सा नीचे, इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ। अब इस इमेज को इसमें ब्लेंड मोड कराते हैं, देखते हैं ब्लेंडिंग मोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, नॉर्मल जो लिखा है यहाँ पे आप राइट करके, यहाँ से मोड है इसके, आप किस मोड में इसको कैसे सेट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कौन सा मोड सही रहेगा। वीडियो लाइट, लाइनर लाइट, इंट लाइट, हार्ड मैक्स, डिफरेंस, एक्सेलरेशन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइडेड, हग, सैचुरेशन, तरह तरह के हैं सब। तो यहाँ पे आप इस मोडों का यूज करके, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लेंड मोड, ब्लेंड मोड। ठीक है, यहाँ से आप मोड चेंज करके देख सकते हैं किस पे फिट होगा, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे। तो मेरे को लगता है कि इसी मोड में सही रहेगा। कौन सा, लाइट कलर, इतना हो गया। अगर आपको इसे हटाना है तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाइए, इसको करिए क्लिपिंग मास्क, मास्किंग करिए, आप जाइए और यहाँ पे करिए ब्लैक कलर लीजिए और आप यहाँ पे नॉर्मल ब्रश ले लीजिए। क्या जी, नॉर्मल ब्रश एंटर करिए, साइज थोड़ी सी बड़ी करिए। इनको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं किस मोड में उस पर फिट रहेगा। वो मैं नीचे करता हूँ। ओके, अब ओपेसिटी, यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा सा डाउन करिए आप इसकी, नहीं इस इमेज की थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन करिए। नहीं मिला तो यहाँ पे आप जाइए, इसको थोड़ा क्लिपिंग मास्क करिए, आपको क्लिपिंग मास्क करके बी देन बी प्रेस करिए। तो उसको यहाँ पे लाना था, मोड आपसे हटाना पड़ेगा, मोड तभी आएगा। ओके, अब यहाँ पे बी प्रेस करके हैं,
आपकी मिला जो देखिए बहुत अच्छा आ गया। अब यहाँ पे चले जाइए, ये चीज आप ब्लेंड मोड करके देखिए, ये ब्लेंड मोड हो रहा है। ठीक है, आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि ब्लेंड मोडिंग आखिर होता क्या है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे इंटर कर दो, यहाँ पे कंट्रोल टी कर दो, यहाँ पे इसको लेके चले जाओ। ये ब्लेंड मोड के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, कितना बेहतरीन लग रहा है ब्लेंड मोड। अब इसमें आप ओपेसिटी भी कम बेसी कर सकते हो, तो आप इसमें यहाँ पे ओपेसिटी कम बेसी कर अपने अकॉर्डिंग। इसमें ब्रश चलाना है आपको, तो बिफोर ब्रश जाइए, थोड़ा आप यहाँ पे बस मर्ज कर दीजिए। और इनको भी देखते हैं ब्लेंड मोड करके क्या होता है। ये ब्लेंड मोड में ऐसे चेंज होते हैं सब। ठीक है, को यहाँ पे आप लेते आए, ये ब्लेंड मोड मालूम नहीं चला, ब्लेंड मोडिंग में मिस्क भी हो गया, काम भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ ब्लेंड मोड का यूज करके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और ओपेसिटी का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज क्लास इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।